नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे कवर्धा से मिल रही खबर के साथ। सांसद, कवर्धा के सांसद संतोष पांडेय को धमकी मिली है। उनकी पत्नी के व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दी गई है। पत्नी को विदेश के नंबर से कॉल आया था। सांसद ने इस बात की शिकायत एसपी से की है। कवर्धा से बड़ी खबर, सांसद संतोष पांडेय को धमकी मिली है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए यह धमकी दी गई है। व्हाट्सएप कॉल को ट्रेस करना, रिकॉर्ड करना ये काफी कठिन होता है। टेक्निकली व्हाट्सएप कॉल के जरिए विदेश के नंबर से कॉल किया गया था। सांसद ने एसपी से इस बात की शिकायत कर दी है। संतोष पांडेय, उन्हें यह धमकी दी गई। सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पूरी जानकारी विस्तार से। बिल्कुल, अरे जिस तरह से ये जानकारी सामने आई है, जिसमें सांसद संतोष पांडेय ने खुद पुलिस अधीक्षक कवर्धा से लिखित में ये शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी पत्नी के नंबर पर व्हाट्सएप कॉलिंग की गई थी, उसमें धमकाने की भी बातें उनके द्वारा कही गई है। और ये नंबर जो है ना +92 से आया है, तो संभवतः ये पाकिस्तान का नंबर हो सकता है। इस तरह का निर्देश व्यक्त किया गया और जिस तरह से उसमें बातें की गई, उसे लेकर परिवार के लोग काफी असंगीत है, भयभीत है। उसे लेकर जो सांसद है उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक को ये रिपोर्ट लिखाई गई है और उसमें पूरे फोन कॉल की जांच कर जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की मांग की गई है। और उनके परिवार वाले इसमें काफी डरे हुए हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सांसद के द्वारा ही इस पूरे मामले का खुलासा जो है किया गया है और शिकायत भी दर्ज कराई गई है। क्या कुछ उस कॉल पर कहा गया, क्या बोला गया? और मेरा ख्याल है पत्नी को उनकी कॉल किया गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मनीष, बिल्कुल जिस तरह से शिकायत में भी यही कहा गया है कि उनके पत्नी के व्हाट्सएप नंबर पर ये कॉल आया था और उनके पत्नी ने उनको रिसीव ना करके उनके जो छोटे बेटे हैं उनके द्वारा रिसीव किया गया। और उसके बाद जब बात शुरू की गई तो इससे हुआ कि तुम सांसद के बेटे हो, तुम उसके कौन हो, तुम सांसद के बेटे हो क्या? और इस तरह से कई थोड़ा धमकी भरी बातें उनके द्वारा कही, जिससे जो उनका छोटा बेटा है वो काफी डर गया था और उसकी जानकारी अपनी माँ को। तो माँ ने फिर इसकी पूरी जानकारी सांसद को दी, जो कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम में व्यस्त थे। उसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। और रायपुर में हुआ है न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर। पूर्व मंत्री शिव डहरिया और उनकी पत्नी को झटका लगा है। अवैध कब्जे को लेकर नगर निगम ने एक नोटिस जारी किया है। 72 घंटे में सामुदायिक भवन खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। डहरिया ने MIC से मंजूरी मिलने का दावा किया था और डहरिया के दावे को निगम ने खारिज कर दिया। लगातार प्रमुखता से आज हमने खबर आपको दिखाई, किस तरह से यही वो प्रेमाइसेस है सामुदायिक भवन का, जहां एक लाल बत्ती गाड़ी खड़ी हुई है और कब्जा है इस पर, सामुदायिक भवन पर। एक एनजीओ को यह अलॉट कर दिया गया। उस एनजीओ की कर्ता धरता है डहरिया की पत्नी।